हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम ब्लॉगर और मैं हूँ अरुणा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से कह रहे हैं हम आपसे कि हमारे घर में शादी है, शादी है, शादी है, पर आप लोग सोच रहे थे कब है इनके घर में शादी, इतने दिनों से ये कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब बस शादी आ ही गई है और अब कल हमें निकलना है, तो फटाफट कर लेते हैं पैकिंग, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड चलिए कर लेते हैं फटाफट पैकिंग। तो सारे कपड़े यहाँ पर लाकर मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, वैसे सारे तो नहीं हैं, बहुत कुछ अभी छूटे भी हैं, तो उनको भी पहले इतनी पैकिंग कर लेते हैं जितने हमने लाकर यहाँ पर रखे हैं, तो फिर उसके बाद और जो बचता है फिर देखते हैं। फ्रेंड पहली पैकिंग हम वो साड़ियों की कर लेते हैं, उन सामानों की कर लेते हैं जो हमें लेकर इलाहाबाद जाना है, क्योंकि हमें फ्रेंड दो दो शादियां अटेंड करनी है। एक तो यहाँ पर हमारी नंद की बेटी की शादी है उरई में, और दूसरी है इलाहाबाद में मेरी भतीजी की शादी। तो फ्रेंड्स हमें दो दो जगह कपड़े एक से लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुरंत बाद ही हमें जाना है, तो फिर उसी तरह से लगाने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग करने के बाद हमें थोड़ा मार्केट भी जाना है, क्योंकि थोड़ा सामान भी लाना है, कुछ छूट गया है लाने के लिए, तो फटाफट कर लें, फिर उसके बाद मार्केट के लिए निकलते हैं। और दीक्षा तो पहले से ही चली गई, क्योंकि वो छोटू बुला रही थी बार बार कि आ जाओ आ जाओ, तो दीक्षा पहले से ही चली गई थी। अब बच्चे घर में, हम तो घर का काम भी करना है और फिर वो पैकिंग भी करना है, सबके कपड़े एक से इकट्ठे करो, लगाओ, धो, प्रेस करो, सब फ्रेंड बहुत सारा काम हो जाता है। और साड़ियाँ तो सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं कि इतनी लंबी लंबी साड़ियों को प्रेस करना। तो फ्रेंड्स एक अटैची की पैकिंग तो हमारी हो गई डन, अब चलिए देखते हैं दूसरी की तरफ। तो फ्रेंड्स दूसरी अटैची भी मेरी बुरी तरह भर चुकी है, और इसमें सिर्फ इनके कपड़े और लेने देने वाले कपड़े हैं, और इसके बाद हमारे और भी कपड़े बचे हुए हैं, अब उनका क्या करेंगे और कैसे रखेंगे, क्या करें देखते हैं अब क्या करें उनका। तो चलिए अब कपड़े वपड़े का तो हो गया, अब लगा लेते हैं अपने चूड़ियों का सेट, उन्हें भी तो बहुत जरूरी है लगाना, निपटाएंगे क्या हम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो उठ गई मैं, सुबह के बजे हैं अभी 5 और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, और आजकल तो सवेरा भी काफ़ी लेट होता है, तो अभी काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर। और उठ गए क्योंकि सवेरे सवेरे 5 बजे का इनके चाय का टाइम है, तो लेते हैं चाय। बहुत ठंडी है फ्रेंड, सुबह सुबह उठ गए, अब चलिए बना लेते हैं चाय, फिर उसके बाल में बहुत सारा तेल डाल के रखा हुआ है, आज धो लेंगे बाल को। तो फ्रेंड्स उठ गए हैं सुबह सुबह, और बहुत ज़्यादा सर्दी है और आज तो बारिश भी हो रही है, बहुत काफ़ी रात तक पैकिंग करते रहे और अब अभी भी पैकिंग पूरी नहीं हुई है, और देखते हैं अभी बहुत कुछ अभी भी बाकी है पैकिंग करने के लिए, देखते हैं क्या करना है कैसे। तो फ्रेंड यहाँ पर चढ़ा दिए मैंने चाय, और सुबह सुबह जब तक चाय ना पियो तो फिर ना काम होता है ना कुछ आगे बढ़ता है काम, तो फटाफट मैंने चढ़ा दी है चाय और फिर इनको देकर आऊँगी चाय, फिर उसके बाद मैं आगे बाहर जाकर झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी। तो
नहा धो लिया है फ्रेंड्स हमने और घर के सारे काम हो गए हैं। अब हमने सोचा चलो ज़रा सा अपने लिए भी कुछ कर लिया जाए, तो मैंने फ्रेंड्स फेस पैक लगा लिया है और इसके बाद भी देखिए हमारा अभी कितना सामान बचा हुआ है रखने के लिए। और सबसे मेन तो ये मोटी मोटी जैकेटें और हुडी वगैरह होती हैं जो अटैची, आधी से ज़्यादा अटैची तो इनसे ही भर जाती है, बस इन्हीं को रखना। तो फ्रेंड्स सूख गया है मेरा फेस पैक और चलिए उसको धुल कर आते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं किचन में क्योंकि अब पूड़ी बनाना बाकी रह गया है। थोड़ा पूड़ी बना लेंगे तो नाश्ता करके हम लोग भी निकल जाएंगे और इनके लिए भी बना के रख देंगे सुबह के लिए। शाम को तो इन्हें कहीं शादी में जाना है तो हो जाएगा, फिर इसके बाद तो जिज्जी के यहाँ से खाना आ ही जाता है इनके लिए। इस मामले में हम बहुत फ्री हैं फ्रेंड्स क्योंकि हमें इनकी चिंता नहीं रहती कि हम कहीं जाते हैं तो इनका खाना कैसे होगा, तो जिज्जी और बहुएँ ये लोग तो इनके लिए बनाकर टिफिन सुबह शाम भेज ही देती हैं। रेडी जाने के लिए और सारी तैयारियां हो गई हैं, बस अब निकलने ही वाले हैं तो चलिए चलते हैं। रही ये है हमारा लगेज, बहुत सारा हो गया फ्रेंड। और पता दीदी के वहाँ पे बारिश हो गई है तो पानी भी भर गया है वहाँ पर, तो अब देखिए जाते कैसे हैं। फ्रेंड दीदी के घर के पास भर गया है पानी क्योंकि अभी नया नया कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे ज़्यादा मकान तो बने हुए नहीं है, रोड वगैरह भी नहीं बनी और भर गया वहाँ पानी। अब वहाँ जाते हैं कैसे, देखिए जाना तो है ही है, निकलना तो है ही है, अब देखिए क्या होता है, निकलते हैं। फ्रेंड बस मिल गई हम लोगों को और हम लोग निकल गए उरई के लिए और एक घंटा करीब लगता है हम लोग को उरई पहुंचने में, ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर करीब ही है, तो बस एक घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। और पता है 2 दिन से काफ़ी ठंड भी पड़ने लगी है, हल्की हल्की रात को बारिश सी होने लगी है तो उसकी वजह से काफ़ी ठंडक भी बढ़ गई है और ठंडक में शादी ही तो भगवान। फ्रेंड्स हम माँ बेटा निकल गए शादी में जाने के लिए उरई और घर में रह गए ये अब अकेले और दीक्षा तो पहले ही चली गई थी उरई, तो अभी आ जाएंगे मंडप को। और फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया सीमा, गुणन और दीपक, दीक्षा का वीडियो कॉल, तो हम लोग यहाँ पर बातें करने लगे, सब अपनी अपनी पैकिंग कर रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कौन पहुँच गया कौन नहीं आया अभी। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग उरई पहुंच गए हैं और वहां से फिर मिल गई हम लोगों को ऑटो और ऑटो से हम लोग निकल गए दीदी के घर के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ का रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब है, जाना बहुत ही मुश्किल है, बाइक वगैरह तो जा ही नहीं पा रही है, तो शिवम और शिवम के फ्रेंड आए और हमारी अटैची लेकर गए। इसी रास्ते से रिशु हमारा बेचारा एक अटैची और बैग लेकर गया है, कैसे गया वो हम यहाँ से देखते रहे बेचारे को। जो स्थिति है फ्रेंड्स देखिए हम कैसे जाएं यहाँ से, बताइए आप, पूरी जी हालत है रास्ते की, जाना तो पड़ेगा ही, क्या करेंगे अगर हम गिरते हैं। देखिए चप्पल भी नहीं रखते बन रहा, देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड पहुंच गए हम चटकते पटकते,
ये लोग बैठे देख लीजिए जी, जी हम आराम से जी अपना काम शुरू कर दी। फ्रेंड जी ने यहाँ अपना काम शुरू कर दिया है, जो कुछ भी बनाना होता है। काफ़ी देर से वो हमारा इंतजार कर रही थी कि अरुणा कब आ रही, पर रास्ते की वजह से लेट ही होते चले गए। यहाँ पर मेवा वा कटिंग का काम सब चल रहा है फ्रेंड्स। हो गई है रात और सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और रख ली गई है ढोलक और खूब ढोलक बजी और सबने खूब सारा गाया गाना। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और शादी के खूब सारे व्लॉग्स देखने के लिए फ्री प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।